एससी और एसटी कानून में संशोधन करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सोमवार को भारत बंद के दौरान हुई हिंसा पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अंबेडकर को राजनीति में घसीटने के बजाय उनके दिखाए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार हमेशा दलितों आदिवासियों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर हमेशा गंभीर रही है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने परोक्ष रूप से अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि अंबेडकर को राजनीति में घसीटने के बजाय उनके दिखाए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर को जितना सम्मान उनकी सरकार ने दिया किसी और सरकार ने नहीं दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अंबेडकर के नाम पर केवल राजनीति की गई। उन्होंने कहा कि अटल सरकार के समय अंबेडकर से जुड़े दो भवनों के निर्माण की योजना बनाई गई थी। इसके बाद की सरकारों ने केवल राजनीति की। अब जाकर हम उस योजना को पूरा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उसका शिलान्यास जब किया गया था तो कहा था कि 2018 अप्रैल में इसका लोकार्पण किया जाएगा। 13 अप्रैल को इसका लोकार्पण है और 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर का जन्मदिन है। पीएम मोदी अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का जिक्र कर रहे थे जिसका उद्घाटन होने वाला है। जो हमने करके दिखाया है बाबा साहब अंबेडकर को, शायद किसी सरकार ने इतना मान सम्मान और श्रद्धांजलि नहीं दी होगी जो इस सरकार ने दी है। और इसलिए बाबा साहब को राजनीति में घसीटने के बजाय बाबा साहब अंबेडकर ने हमें जो रास्ते दिखाए हैं उस रास्ते पर चलने के लिए हम सब अगर प्रयास करेंगे, जिसके अंदर बंधुता इसका महात्मा है, उस बंधुता को छोड़ करके हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें हर किसी के कल्याण के लिए सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र को लेकर के हम चले हैं और हम समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों के हकों के लिए जीने मरने वाले लोग हैं और हम जीवन भर समाज के, क्योंकि महात्मा गांधी ने हमें यही रास्ता दिखाया है कि समाज का जो आखिरी छोर पर बैठा है उसकी सबसे पहले चिंता करनी चाहिए और सरकार की जिम्मेवारी होती है और सरकार उस दायित्व को निभा रही है। मैं फिर एक बार इस पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।